तो यहाँ की साइड देखो इतना पूरा ढलान है, पर इधर की साइड अब ये वाला घास हमने ना नीचे वाली साइड पे रखना है, बाकी मम्मी भी पहुंच गई। तो अभी टाइम ना 2:30 बजे काम हो, देखो यहाँ पे बंदर की तरह लगी हुई है, तो यहाँ की साइड भी बढ़िया लग रही है। और आजकल हम पानी पता है कितना लेके जा रहे हैं, एक तो 5 लीटर का पूरा डब्बा है और 3 ना 2.5 2.5 लीटर की बोतलें हैं। कल तो पापा डब्बा ही हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई हूँ पापा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के अभी 11:30 बजे, और आज मैंने सुबह को ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं सलोनी और मम्मी आज तो हम लेट ही आए थे, क्योंकि सलोनी तो नहीं है कामों और मैं और मम्मी, तो आज हम लेट ही आए थे घर से क्योंकि आज सलोनी नहीं थी। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, तो अभी 11:30 बजे हो रही है ब्लॉग की शुरुआत। बाकी अभी हमारा ना नाश्ता भी हो गया है क्योंकि हम सुबह ही लेके आते हैं, और अभी नाश्ता हो गया है तो अभी हम ना नीचे चल रहे हैं जहाँ पे हमने भारी लगानी है, क्योंकि आज हम ना ऊपर की साइड से तो हमने घास काट दिया है, बाकी जो छूट रखा है उसको वैसे ही रहने देंगे, मतलब जहाँ पे घास काटने के लिए नहीं है उसको वैसे ही रहने देंगे। और अब सीधे ना जो ये पेड़ है यहाँ पे, यहाँ पे भी काट दिया है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा नीचे से ना उधर की साइड है घास काटने के लिए, और थोड़ा बहुत ना यहाँ पीछे की साइड है जहाँ पे वो घास दिख रहा है। तो देखेंगे 2 दिन के लिए होगा या फिर 3 दिन के लिए होगा, मतलब 2 दिन ना ऐसे ही घास काटने में लग जाएंगे और जो बचा हुआ घास होगा तो 1 दिन उसको साधने में लगेगा, एक एक भारी। तो अभी हम ना नीचे चल रहे हैं, तो अभी पहले ना आपको मौसम बताती हूँ, और काम यहाँ पे ना अभी फोन चला रही है, मम्मी तो नीचे चले गई है भारी लगाने को, तो अभी हम भी चलते हैं नीचे जहाँ पे भारी लगा रहे हैं। तो मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो रखा है और आसमान में ना एक भी बादल नहीं दिख रहे हैं, पूरा आसमान साफ हो रखा है। तो इधर की साइड हमने घास काट दिया है, और जहाँ पे ये घास दिख रहा है ना ये धार, तो उधर की साइड ना कल हम वहीं रस्सी लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ना काटने के लिए सही है, तो वहीं से हम भारी लगा के जहाँ ये पेड़ दिख रहा है ना उधर के रास्ते से सीधे यहाँ नीचे जाएंगे। बाकी कामों देखो यहाँ पे बंदर की तरह लगी हुई है, तो यहाँ की साइड भी हमने घास काट दिया है, और यहाँ देखो ऊपर यहाँ पे ना बहुत सारा घास छूट रखा है घास, तो उसको ना हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि उतना ना काटने के लिए नहीं है। बाकी इधर की साइड भी काट ही दिया है, तो अब चलते हैं नीचे जहाँ पे मम्मी भारा लगा रही है। तो कल के लिए ना यहाँ जहाँ पे ये घास गिरा रखा है ना, मतलब सारी पुली यहाँ ऊपर से गिराई तो वहाँ पे इकट्ठा हो रखी है वो, तो कल परसों 2 दिन तो ऐसे ही लग जाएंगे इस पर। तो अभी चलते हैं हम नीचे। साइड देखो इतना पूरा ढलान है, पर इधर की साइड अब ना थोड़ा सा सही हो गया है क्योंकि यहाँ हमने घास काट दिया है और अब बचा हुआ है यहाँ पे। तो देखेंगे अभी 2 दिन के लिए तो होगा ही घास काटना, कल इधर की साइड और परसों उधर की साइड। तो अभी नीचे चलते हैं जहाँ पे कामों चले गई है, और फिर वहाँ से ना ये पुली हमको ले जानी है उधर धार में, और फिर वहाँ से नीचे। तो मम्मी जा रखी है यहाँ पे, देखो नीचे जहाँ से हम ऊपर आए थे। तो ये रहा गोपेश्वर, और अभी ना थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्योंकि उधर की साइड अभी धूप नहीं लगी है ना पूरी, और धुआं धुआं भी लग रहा है तो इसलिए वो साफ नहीं दिख रहा है। तो अभी नीचे चलते हैं जहाँ पे काम हो जा रखी है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं अपनी साई पे, और ये वाला घास हमने ना नीचे वाली साई पे रखना है, बाकी मम्मी भी पहुँच गई। तो अभी टाइम ना 2:30 बजने वाला है, आज हम थोड़ा पहले ही आ गए हैं, ऊपर से तो हम जल्दी आ गए थे लेकिन नीचे जहाँ पे भारी लगा है ना वहाँ पे आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है, और
जो पुली हमने बांध रखी थी ना वो सारी खुल जाती है, तो वहां पे आके उनको फिर से बांधना पड़ता है, तो इसलिए इतना टाइम लगता है। तो अभी बाहर ही खुलाते हैं और इसको अंदर रखते हैं। अभी टाइम शाम के 3:30 बज चुके हैं और अभी हम घर जाने बैठ गए हैं। बाकी हम ना गौशाला से घास दे के ही जा रहे हैं, क्योंकि बाद में खाली आफत होगी, क्योंकि नानी तो आने वाली है नहीं और सलोनी का पेपर है तो वो लेट ही आएगी। तो अभी हम यहाँ से घास दे के चले गए हैं, तो कल और परसों से हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं, नहीं तो हम ना 4:30 बजे तक जाते हैं साई से घर। तो अभी ना काफ़ी बढ़िया धूप लगी हुई है, हमारी साई पे तो नहीं है धूप, मतलब वहाँ ना पेड़ों की वजह से धूप जल्दी चले जाती है। तो अभी घर पे चलते हैं, क्योंकि आज जल्दी जाके थोड़ा नहा धो के फिर मिलते हैं आपको घर पे पहुँच के। तो अभी इधर सारी में ना लोगों की बकरियाँ आ रखी है चरने के लिए, जिनकी उधर गौशालाएँ दिख रही है ना, शायद उनकी बकरियाँ हैं यहाँ सारी पे भी चरने को। और काफ़ी बढ़िया धूप लगी हुई है, मस्त से देखो मस्त धूप लग गई है। और मम्मी कामू यहाँ पहुँच के मंदिर के ऊपर पहुँचने वाले हैं वैसे भी। तो आजकल शाम के टाइम पे भी ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है, सुबह के टाइम पे भी लग रहा है, लेकिन घर से निकलने के बाद ना उतना ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन घर पे ही रहेंगे तो ज़्यादा ठंडा लगेगा ही। और धूप तो खैर आजकल अच्छी ही लग रही है, मतलब मौसम बारिश वाला बिल्कुल भी नहीं है। जिस टाइम बारिश चाहिए होती है उस टाइम तो आती नहीं है, और आजकल धूप तो काफ़ी बढ़िया लग रही है। और आजकल हम पानी पता है कितना लेके जा रहे हैं, एक तो 5 लीटर का पूरा डब्बा है और 3 ना 2.5 लीटर की बोतलें हैं। कल तो पापा डब्बा ही लेके आए, लेकिन फर्स्ट दिन ना हम 3 बोतल लेके गए थे 2.5 लीटर की, और उतना पानी कम पड़ गया था। तो कल पापा ना डब्बा लेके आए 5 लीटर वाला, और 1 लीटर की छोटी बोतल थी वो बैग में लेके आए थे। तो इतना ज़्यादा पानी पिया जा रहा है आजकल। वैसे भी हमारे पाठे पे ना पानी बिल्कुल भी नहीं है, और छाँव के लिए पेड़ तो बिल्कुल ही नहीं है, बस एक पेड़ है वो भी छोटा सा पेड़ ही है। तो इतना ज़्यादा पानी पिया जा रहा है आजकल, ऊपर जा रहे हैं घास के लिए, नहीं तो अगर घर पे रह के ना 1 लीटर भी मुश्किली से पिया जाता होगा पानी। तो अच्छा भी लग रहा है कि इतना ज़्यादा पानी पी रहे हैं, लेकिन आफत भी ना उतनी ही ज़्यादा आ रही है। तो अभी मम्मी काम तो चले गए हैं आगे और मैं भी चलती हूँ, तो मिलते हैं आपको सीधे घर पर पहुँच के। चुके हैं और हमारा खाना भी बन गया है, बाकी अभी आ रहे हैं हम रोटी बना के। और काम यहाँ पे मस्त से टीवी देख रही थी, तो मैं और सलोनी बना रहे थे रोटी, तो काम ऊपर से आई होगी ना, काम ने आंखें ऐसे काली कर दी है, बताओ बताओ तो गर्दा गुर्दा जा रखा होगा ना, तो वो काजल लगाने से साफ हो जाएगा। तो अभी हमने ना खाना नहीं खाया है और पापा भी नहीं आए हैं, तो थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद खाते हैं खाना। बाकी सभी तो किचन में है और अभी मैं और कामो यहाँ टीवी देख रहे हैं, तो थोड़ी देर में अभी खाना खाते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा खाना भी हो गया है और अभी सलोनी है यहाँ पे टीवी देख रही, क्योंकि हम खाना खाने चले गए थे और इसने ना थोड़ा पहले खा लिया था, तो इसलिए टीवी पे चिपकी हुई थी। तो अभी हमने खाना भी खा लिया है और कल फिर से हमको जाना है ड्यूटी पे, लेकिन टेंशन नहीं है, मतलब अब ना थोड़ा सा ही है और नजदीक ही है, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। और
देखते हैं 2 या 3 दिन के लिए होगा। तो आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। और अभी ये मैडम भी आ गई है, तो सीनू ना आज किचनी में है, किचनी में है क्योंकि उसने तेल लगाया था। तो हम घरे मैडम जी आ गए, तो अभी ना वही सो रखी है। दोस्तों आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो ब्लॉग अच्छा लगेगा तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को नहीं बोल रहे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अभी नानी भी आ गई है यहाँ पे, पापा तो अभी नहीं आए, आने वाले हैं शायद। तो हम तो सो जाते हैं क्योंकि जल्दी भी उठना है। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।